नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर हिमाचल प्रदेश से। आनी में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए अब 2 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। अब संक्रमण की रिपोर्ट 20 से 30 मिनट में ही आ जाएगी। यह सुविधा मंगलवार यानी आज से सिविल अस्पताल में शुरू हो जाएगी। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट किट यानी रेड किट से लोगों का टेस्ट किया जाएगा। यह जानकारी BMO आनी डॉक्टर ज्ञान ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि इस विधि के माध्यम से एक साथ कई लोगों का टेस्ट भी संभव होगा। देखिए हमारे संवाददाता चमन शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में RT-PCR टेस्ट के साथ COVID-19 के डायग्नोसिस के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे अन्नी ब्लॉक में भी कल से की जाएगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स जो है हमारे पास आज पहुंच चुके हैं और इस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से 1 घंटे के अंदर अंदर उसी लेबोरेटरी में जहां पर टेस्ट दिया गया है वहां पर व्यक्ति को जो रिपोर्ट मिल जाएगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट जल्दी से जल्दी COVID-19 के पेशेंट को डायग्नोज करने में, उसको आइसोलेट करने में और उसको ट्रीट करने में मदद देगी, ताकि COVID-19 का ट्रांसमिशन है उसको हम जल्दी से जल्दी रोक सकें।